गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 6:30-7 बज गए हैं और कल शाम को पानी नहीं भरा था टंकी में, तो सुबह जल्दी उठना था तो हम जल्दी उठ गए हैं और सबसे पहले टंकी में पानी भरेंगे, सारी तराई करेंगे, उसके बाद रात का दिन शुरू करेंगे। तो चलिए आज दिन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आज क्या क्या काम होने वाला है घर के अंदर। Let's get started. तो लेबर के आने से पहले मैंने सोचा आज कि मैं खुद पानी डालता हूँ, तराई करता हूँ, जो पोर्शन पे प्लास्टर आज होना है तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने आज कितना सारा काफ़ी तराई कर दी है। तो एक तो ये वाला पोर्शन पूरा देखो गीला हो गया है, शायद वीडियो में पता ना चले, इसको पूरा गीला किया है ऐसे ले जाते हुए लास्ट तक प्रॉपरली। ये वॉल आपको गीली दिखाई दे रही होगी, सब उस तरफ से ज़्यादा गीली की है क्योंकि इस तरफ से तो प्लास्टर हो रखा है, उस तरफ से प्लास्टर होना है। तो इसको मैंने पूरा अच्छे से बाल्टी से ही गीला किया है क्योंकि यहाँ तक पानी आ नहीं रहा था। ये देखो ये वॉल पूरी गीली हो गई है। तो ये लोग गली की साइड भी लगाना शुरू कर दिया है, टीम आ गई है नीचे से, मैं दिखा रहा हूँ एक बार। तो अभी नीचे से लेके ऊपर तक पूरा काफी तक लेके जाएंगे, टीम लगी हुई है। मेरे को लगता है करीब अभी 2-3 घंटा लगेगा जो लोग बता रहे हैं ऊपर तक आने के लिए, और 2-3 घंटे के बाद इस तरफ का भी गली वाली साइड भी ये पूरा काम हो जाएगा। जितना सीमेंट तेज रहेगा अच्छा चिपकेगा। तो मसाला बनना शुरू हो गया, ये भाई सब तराई कर रहे हैं, ये देखो। और यहाँ पर भी पूरा प्लास्टर की तैयारी हो गई है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, ये लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं। मैं तो आज ऑफिस के काम में बिजी हूँ यार, फटाफट मैं ये दिखा के जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए। और नीचे वाले बाथरूम में भी ये आ गए हैं काम करने के लिए क्योंकि ये ज़रूरी था काम करना। जरी काट रहे हैं शावर के लिए और पाइपलाइन के लिए पूरा, सो ये काम करना शुरू। 1.5 घंटा हो गया है और अभी ये लोग करीब करीब ऊपर पहुंचने वाले हैं, मेरे पास ही आ गए हैं। मैंने प्लास्टर का काम भी शुरू कर दिया है, फिलहाल टी टाइम चल रहा है। काफ़ी मेहनत और रिस्की वाला काम है ये, इतना सारा रिस्क लेते हुए ये लोग ऊपर तक आ गए हैं। ये देखो कहाँ तक पहुंच गए हैं, और वहाँ पर वो भाई साहब बाथरूम की कटाई में लगे हुए हैं। का पॉइंट है डायवेटर के साथ और वहाँ पर लेटरिंग के लिए बना रहे हैं। अच्छा पिलर का, पिलर किस लिए काट रहे हो? पाइप ले जाएगा, पाइप ले जाओगे इसलिए, सरिया तो मत काटना। सरिया नहीं काटेंगे, सरिया नहीं काटना, प्लस इसका जो सिस्टम है ये काटने के लिए ये भी थोड़ा झाड़ोगे, सिस्टम इसी के अंदर बन जाएगा, है ना? आगे को निकालना है, इसमें कुछ चुनाई की जरूरत नहीं है, सिस्टम इसी में बन जाएगा, इसी गहरे के अंदर, इसको थोड़ा काट देना, लेकिन ये चीज रहेगा बीच में सिस्टम में। कैसे करोगे? वो तो हाइट पे दे देंगे, हाइट पे दे देंगे सिस्टम का, सिस्टम थोड़ा हाइट पे कर देंगे, ठीक है। तो ये पाइप भी यहीं रहेगा, गड्ढे में सिस्टम, गड्ढा काम आ जाएगा, ठीक है ना? इसको थोड़ा झाड़ लेना, कर लो। लंच टाइम हो गया है और इन्होंने इस किनारे से प्लास्टर जैसे मैंने सुबह दिखाया था करना शुरू भी कर दिया है, और इस तरीके की धार बन रही है एक्सटर्नल साइड से। ये देखिए काम रिस्की है लेकिन फिनिशिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिनिशिंग नहीं होगी तो ये बार बार पैडिंग तो बनेगी नहीं। तो पैडिंग जो एक बार बन गई तो बन गई, उसके बाद दोबारा तो सालों साल तक नहीं बनती है, इतना रिस्की काम है ये। तो लंच तक ये कह सकते हो कि यहाँ तक पहुँच गए हैं, इस पिलर तक। ये टूट गया थोड़ा, इसको ठीक करेंगे, तो यहाँ तक आए। कभी कभी इन लोगों को देख के लगता है कितना रिस्की काम करते हैं ये बंदा, मतलब चढ़े हुए हैं बिल्कुल ऊपर की तरफ। मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, कहाँ चढ़ा हुआ है बिना किसी सपोर्ट के, पता नहीं कैसे काम कर रहा है। दिस इज रियली डेंजरस।
खतरनाक, खतरों के खिलाड़ी। लोगों की परमिशन से यहाँ चढ़ गया हूँ इस तरफ। और देखो सुबह से लेकर अभी तक इन्होंने कितनी मेहनत करके ये काम यहाँ तक ले आए हैं और अभी भी काम पे लगे हुए हैं। मैं एक ही जगह खड़ा हूँ, काफ़ी हाइट पे काम हो रहा है, रिस्की है। शाम के 6 बज गए हैं और ये लोग बस अपना काम ख़त्म करके जाने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ उस तरफ करके मोबाइल। तो आज मैंने आपको एक एक डिटेल दिखाई है कि कैसे कितना काम शुरू हुआ। पहले सुबह सुबह लेफ्ट हैंड साइड में गली वाली साइड में सारे वो बल्ली आने लग गए थे, वो लगा दिए, फिर ऊपर इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। ये देखिए इस तरीके से इन्होंने पूरा ये लगा के प्लास्टर का काम कर दिया जो मैंने बिल्कुल अभी आपको दिखाया। अभी अनाया आ गई और मैं भूल ही गया कि अंधेरा होने वाला है और फिर मैंने ऊपर छत पर जाकर वीडियो नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई अनाया, हम क्या कर रहे थे? हम तो बस मस्ती कर रहे थे, हम तो बस खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। और अब हम वीडियो नहीं बना पाए, तो कोई बात नहीं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। काम कैसे आगे बढ़ेगा? प्लम्बर ने काम कर दिया है नीचे वाले बाथरूम में, इसका मतलब प्लास्टर एक्सटर्नल हो सकता है। बाकी काम दिखाने के लिए देखते रहिए वीरेंद्र रोशन के लिए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय से बाय।